motion of a falling body under the action of weight and drag force. Now students, हमने drag force के मतलब ये study करना है कि जब कोई body fall हो रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, spherical body है, वो नीचे की तरफ आ रही है, ये spherical body है, ये नीचे की तरफ आ रही है, इसका weight कितना होगा? mg. ये weight जो है, ये इस body को नीचे की तरफ fall करवाएगा, नीचे की तरफ लाएगा. अब ये बॉडी किसी मीडियम में फाल हो रही है, ये मीडियम या फ्लूड कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये एयर है, एयर के अंदर ही फाल हो रही है. अब जब बॉडी नीचे की तरफ फाल हो रही है तो जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ फाल होती जाएगी, इस पर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स जो वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है, ड्रैग फोर्स जाहिर सी बात है कि जिधर को बॉडी मूव करे उसके ऑपोजिट होगी, वो ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी. शुरू में ड्रैग फोर्स नहीं है, इस वक्त ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि इस वक्त बॉडी की वेलोसिटी भी ज़ीरो है, इस वक्त हमने इसको ड्रॉप नहीं किया. जब वेलोसिटी ज़ीरो हो तो ड्रैग फोर्स ज़ीरो होती है क्योंकि ड्रैग फोर्स का फार्मूला 6 pi eta r v, ड्यू टू द वैल्यू ऑफ वी ड्रैग फोर्स विल बी ज़ीरो. अब जैसे ही बॉडी जो है वो ड्रॉप होना शुरू होगी तो बॉडी के नीचे जाने के साथ साथ इस पर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी. ये ड्रैग फोर्स 6 pi eta r v के इक्वल है और बॉडी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू फोर्सेज बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर ऑपोजिट. तो mg - fd इज इक्वल टू नेट फोर्स. नेट फोर्स पे हम न्यूटन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो न्यूटन फार्मूला के मुताबिक एफ इज इक्वल टू mg - 6 pi eta r v. अब m उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू g - 6 pi eta r v अवर m. इट्स मीन द नेट एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट इक्वल टू जी. जो हम ये कहते हैं कि कोई भी फॉलिंग बॉडी हो तो उसका एक्सलरेशन जी होता है, नहीं, वो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है जिस पे फ्लूड वगैरह एयर वगैरह नहीं है, तब बॉडी का जो फ्री फॉलिंग होती है तब एक्सलरेशन जो है वो जी, यानी कि 9.8 m/s², जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 10 m/s² भी कहते हैं, तब बॉडी का एक्सलरेशन ये 10 होता है. कब? जब फ्लूड नहीं होगा, एयर नहीं होगी, वाटर या कोई भी जिस बॉडी जो है वो बगैर फ्लूड के वैक्यूम में फॉल कर रही होगी, तब उसका एक्सलरेशन जो है वो इतना होता है. और एक्सलरेशन का मतलब आप लीनियर एक्सलरेशन का मीन समझते हैं कि ये वेलोसिटी में होने वाला इंक्रीज होता है कि हर सेकंड में वेलोसिटी 10 के हिसाब से बढ़ेगी. एक सेकंड बाद 10 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 हो चुकी होगी, 3 सेकंड के बाद 30 हो चुकी होगी. अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट 9.8 का इजाफा होता है. तो इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर 10 सेकंड गुजारेगी फ्री फॉलिंग में वो बगैर एयर के, तो उसकी वेलोसिटी 100 के करीब हो चुकी होगी. इधर ऐसा नहीं, हमने ऑब्जर्व किया कि हकीकत में हवा वगैरह में या फ्लूड में बॉडी का एक्सलरेशन जी के इक्वल नहीं आया, बल्कि जी में से कुछ माइनस हो रहा है. और जो वैल्यू माइनस हो रही है वो कॉन्स्टेंट नहीं है. क्यों कॉन्स्टेंट नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये सारा फैक्टर भी बढ़ रहा है. इस फैक्टर के बढ़ने से तो जी में से कुछ माइनस करते जाएंगे तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 नहीं आएगी और ए जो है वो स्मॉल होता जाएगा. लेकिन बेशक स्मॉल होता जा रहा है, वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि जब तक ए रहेगा वेलोसिटी इंक्रीज़ होना है. तो अब हम इस चीज़ को दूसरे मतलब तरीक़ाकार से समझते हैं कि जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है उसकी वजह यह है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. ये वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से ड्रैग फोर्स भी आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है. एक स्टेज ऐसी आएगी फॉलिंग बॉडी में जो फ्लूड के अंदर फॉल हो रही है, मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी
अंडर द एक्शन ऑफ वेट एंड ड्रैग फोर्स इन अ फ्लूड, फ्लूड के अंदर। तो ये एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब बॉडी फॉल होते होते उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम रह जाएगा, 1 रह जाएगा या 0.5 रह जाएगा, तब भी वेलोसिटी इतने तो इंक्रीज होना है, लेकिन एक स्टेज उसके बाद ऐसी आएगी जब एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगा। वो स्टेज क्या होगी और वो कब होगी? वो तब होगी जब ये सारा ये वैल्यू 6π eta rv mg के इक्वल हो जाएगा, और उस स्टेज पे हम ये कहेंगे कि बॉडी की ड्रैग फोर्स और उसका वेट आपस में इक्वल हो चुका है और बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो आ चुका है। क्यों ज़ीरो आ चुका है? बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर इक्वल, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड वेलोसिटी बिकम कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो चुकी है। मैं दोबारा बता दूं आपको, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी, एम ए की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए के ज़ीरो होने का मतलब है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो चुकी है। दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो हाउ वी विल डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये भी हम देख लेते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी टर्मिनल वेलोसिटी की? व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग, नीचे की तरफ आ रही है, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट एंड ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, अगर एयर में फॉल हो रही है, अगर वाटर में फॉल हो रही है तो ड्रैग फोर्स ऑफ वाटर, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट एंड ड्रैग फोर्स, देन एट अ सर्टन स्टेज, एक खास स्टेज पे, इस स्टेज पे एफ डी बिकम इक्वल टू एम जी, मीन्स ड्रैग फोर्स एंड वेट बिकम इक्वल, एट दैट स्टेज वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा सुन लें, इस स्टेज पे जो बॉडी की फॉलिंग वेलोसिटी होगी ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जिस स्टेज पे ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू एम जी माइनस एफ डी कैंसिल हो गए, तो एफ नेट फोर्स ज़ीरो ही, एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, इट्स मीन वेलोसिटी इज़ कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इट्स मीन के कोई भी बॉडी जो फॉल हो रही हो, अगर वो एक ख़ास टाइम तक फॉल होती रहे तो एक ख़ास टाइम के बाद उसमें टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन आ जाती है। जब वेलोसिटी बॉडी की टर्मिनल हो जाती है तो तब फिर उसकी वेलोसिटी में ना इंक्रीज आता है और ना ही डिक्रीज आता है, तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए कंडीशन हम यही यूज़ करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं एफ डी और एम जी, और यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज वेट, अपवर्ड फोर्स इज ड्रैग फोर्स, दीज आर इक्वल एट द स्टेज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, एम जी इज इक्वल टू 6π eta rvt, ये हमने वेलोसिटी टर्मिनल इसमें लिख दी, टर्मिनल वेलोसिटी वी एफ डी में हमने पुट कर दी। अब यहाँ से वी टी आपने कैलकुलेट करना है, तो वी टी कैलकुलेट करने से पहले मैं इस मैस को एलिमिनेट करना चाहूँगा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम आप जानते हैं 4π3πr³ होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 4π3πr³ इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड दिस वैल्यू ऑफ मैस नाउ वी आर पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें
तो ये वैल्यू एम की 4/3 पाई आर क्यूब रो, आगे ये वाला जी इज इक्वल टू 6 पाई थीटा आर बी टी। पाई जो है वो कैंसिल हो गया, आर बी क्यूब से कैंसिल स्क्वायर रह गया, और ये 6 जो है 6 4 से, यहाँ से हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 3 और 3 मल्टीप्लाई हुए 9 आर स्क्वायर रो जी अवर थीटा। तो इट्स मीन वेलोसिटी टर्मिनल का फार्मूला आ गया 2 आर स्क्वायर रो जी अवर 9 थीटा। दैट इज़ दी फार्मूला टू कैलकुलेट दी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूड। द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड इज ईटा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज रो, रेडियस ऑफ द बॉडी इज आर। ये फार्मूला स्फेरिकल बॉडीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट शेप बॉडीज के लिए इस फार्मूले में कुछ चेंजिंग्स आ जाएंगी, लेकिन ये स्फेरिकल बॉडी के लिए मखसूस है। हम देखते हैं कि पैराशूटर जो होता है जब वो नीचे की तरफ फॉल होता है, तो पैराशूट खुलने से पहले उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता रहता है। उसके बाद जैसे ही पैराशूट वो खोल देगा तो वो एक ख़ास वेलोसिटी हासिल करेगा, और वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी बहुत कम होगी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो बहुत स्लो स्लो नीचे आएगा। तो पैराशूटर में भी इसका मतलब है यही फोर्स जो है ड्रैग फोर्स, यही उस बंदे की जान बचाने में मददगार साबित होती है। अदरवाइज़ अगर ये ड्रैग फोर्स ना होती तो पैराशूट खोलने ना खोलने से फ़र्क नहीं था पड़ना। तो ये था जी ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक हमारा।